जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। HAL के नए सुपरसोनिक जेट ट्रेनर की टेल आर्ट इंस्पायर है लॉर्ड हनुमान से। भारत और US का पहला एयर UAV इस साल के अंत तक कंडक्ट करेगा अपनी पहली उड़ान। बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप इंडियन आर्मी के लिए दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्वान ड्रोन सिस्टम डिलीवर करने के लिए तैयार। इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स के इंजन की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी AI। और US के बाद अब चीन टेक डाउन करेगा उनके वहां उड़ रहे एक UFO को। तो जैसे कि अब कुछ ही घंटे रह गए एशिया के सबसे बिगेस्ट एरोस्पेस एग्जीबिशन एरो इंडिया 2023 के शुरू होने में, और भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज इस एरो इंडिया में अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपने अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे कि इस बार HAL अपने कई सारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स में अपने एक नए नेक्स्ट जनरेशन के सुपरसोनिक ट्रेनर HAL FT-42 के स्केल मॉडल को भी डिस्प्ले करने वाली है। तो एरो इंडिया से पहले आज HAL के इस नए फाइटर ट्रेनर के मॉडल की कुछ झलक देखने को मिली, और HAL में एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन हर्षवर्धन ठाकुर की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस HAL FT-42 एयरक्राफ्ट के मॉडल की टेल की जो तस्वीर है उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, और उसी के साथ एयरक्राफ्ट की टेल पर एक बेहद ही ब्यूटीफुल सी आर्ट है लॉर्ड हनुमान की। यानी कि HAL FT-42 की जो टेल आर्ट है वो इंस्पायर्ड है लॉर्ड हनुमान से, और बस बाकी तो इसके आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है कि ये कितना खास पल है। और इस बात पर वीडियो को लाइक तो बनता ही है, और बाकी कल जब इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से अनवील किया जाएगा तब इससे जुड़ी और भी अधिक इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक HAL अपने इस नए जेट ट्रेनर पर काफी लंबे समय से ही काम कर रही है, और इस एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन है वो कई बदलावों से गुजरा है। हालांकि फिलहाल अभी एयरो इंडिया में इसका केवल स्केल मॉडल पेश किया जा रहा है, और अभी ये केवल एक प्रस्ताव है जो कि इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा गया है। बाकी अगर इंडियन एयरफोर्स इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और इस नए जेट ट्रेनर को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला करती है तो वही फैसला HAL के इस नए प्रोग्राम के भविष्य को तय करेगा। और जैसे कि पहले के अपडेट में हमने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के लिए HAL अभी फिलहाल खुद से ही फंडिंग कर रही है। बाकी HAL को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वे इस प्रोग्राम को शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में पूरा कर सकते हैं अगर एयरफोर्स इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो। और हाँ, बाकी ये एक जेट ट्रेनर है और इसलिए इसे केवल ट्रेनिंग पर्पस के लिए नहीं बल्कि किसी वॉर लाइक सिचुएशन में इसे वेपन्स के साथ इक्विप करके एक लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बेंगलुरु बेस्ड फर्म न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज जल्द ही इंडियन आर्मी के लिए स्वार्म ट्रूपर्स की डिलीवरी को स्टार्ट करेगी, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2021 में इंडियन आर्मी और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के बीच इन स्वार्म ड्रोन्स की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, और जो ये स्वार्म ड्रोन्स यानी कि इन स्वार्म ट्रूपर्स की जो डिलीवरी होनी है तो ये इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ALUAV को संयुक्त रूप से विकसित करने की भारत और US की जो योजना है तो इससे जुड़ा एक नया अपडेट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से देखने को मिला है, और जिसके मुताबिक भारत और US का जो ये प्रोग्राम है तो इसके तहत संयुक्त रूप से विकसित किए जाने वाले ALUAV के प्रोटोटाइप की जो पहली उड़ान है वो इस साल के अंत तक कंडक्ट की जा सकती है। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस ALUAV प्रोग्राम में जो IP राइट्स होंगे तो वो दोनों देशों की कंपनीज के बीच संयुक्त रूप से शेयर किए जाएंगे। बाकी आपको रिमाइंड करा दें कि इस ALUAV को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत और US के बीच जो एग्रीमेंट था ये 2021 में साइन किया गया था, और इस जॉइंट प्रोग्राम के तहत जो UAV विकसित होगा तो वो इस्तेमाल किया जाएगा सर्विलियंस मिशंस के लिए। बाकी इससे जुड़ी पूरी जानकारी आप इकोनॉमिक टाइम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस बार एयरो इंडिया शो में लगभग 251 MOUs के साइंड होने की उम्मीद है, जिनकी कुल कीमत होगी लगभग 75,000 करोड़ रुपीस। और इसी एयरो इंडिया शो के दौरान 14th February को भारतीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को भी आयोजित करेंगे, और इस कॉन्क्लेव में फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से टोटल 32 डिफेंस मिनिस्टर्स के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। तो जैसे कि इस बार एयरो इंडिया शो में US अपने अन्य फाइटर्स के अलावा अपने 5th generation फाइटर F-35 के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे जुड़ी एक लेटेस्ट रिपोर्ट यह है जिसमें पेंटागन की तरफ से कंफर्म किया गया है कि इस एयरो इंडिया शो के लिए 2 F-35 fighters भारत पहुंचेंगे, और F-35 fighters स्टैटिक डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स दोनों में शामिल होंगे। और बाकी जैसा कि इस बार एयरो इंडिया में US अपने अभी तक के सबसे बिगेस्ट डेलीगेशन को भेजने वाला है, और अभी कुछ दिनों पहले US ऑफिशियल की तरफ से ये भी कहा गया था कि वे भारत को अब केवल अपने प्रोडक्ट सेल करना नहीं चाहते बल्कि भारत के डिफेंस कैपेबिलिटीज को ग्रो करने के मामले में भारत के प्रीमियम पार्टनर भी बनना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग अपडेट रॉयटर्स की तरफ से देखने को मिला है, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया कि वो दिन अब जा चुके हैं जब विदेशी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली भारत को बेचते थे, और अब भारत सरकार चाहती है कि इंडियन कंपनीज ग्लोबल फर्म्स के साथ मिलकर पार्टनरशिप में इन प्रोडक्ट्स का निर्माण करें। और रॉयटर्स की इसी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ हाई टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस तरीके से भारत सरकार पुश कर रही है तो ये US, रशिया, चीन जैसे मिलिट्री सुपर पावर्स के साथ एक ही स्टेज शेयर करने के भारत सरकार के एम्बिशन को दर्शाता है।
और जबकि आज बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो से पहले आयोजित किए गए इवेंट में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारा टारगेट है 2024 यानी कि अगले साल तक 25,000 करोड़ रुपीज तक के डिफेंस एक्सपोर्ट को हासिल करना और डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और जबकि इसी दौरान जब उनसे LCA तेजस के इंपोर्टेड इंजन को लेकर एक प्रश्न पूछा गया तो भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि हम इसके लिए स्वदेशी इंजन को बनाने की कतार में हैं। ट्रिब्यून की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अब इंडियन नेवी अपने MiG-29 के फाइटर्स के जो इंजन हैं उनको मेंटेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगी और इसके लिए एक हेल्थ यूजेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसमें AI का इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी मदद से इंजन्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए डेटा एनालिसिस में जो समय लगता है वो काफ़ी कम हो जाएगा और जो इंजन चेक्स हैं वो पहले के मुकाबले ज़्यादा तेजी से किए जा सकेंगे। और रिपोर्ट के मुताबिक इस AI बेस्ड प्रोग्राम को DRDO ने एयरो इंडिया शो 2023 में आयोजित लॉन्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में शामिल किया है। और इसके अलावा इस दौरान इंडियन नेवी द्वारा एरो आर्मामेंट सस्टेनेंस नाम के टॉपिक के साथ एक और सेमिनार कंडक्ट किया गया है जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस के पास मौजूद मिसाइल्स को आगे भी बनाए रखने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा होगी। इन सबके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी देखने को मिला है कि इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को कमांड कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक रिटायर्ड तो इन्हें अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जबकि इसी तरह से ब्रिगेडियर BD मिश्रा रिटायर्ड तो इन्हें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि ब्रिगेडियर BD मिश्रा भारत की एलीट एनर्जी फोर्स के काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स को कमांड कर चुके हैं और अब इन दो नई नियुक्ति के साथ भारत में टोटल 4 एक्स सर्विसमैन हो चुके हैं जिन्हें गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पर नियुक्त किया गया हो, जबकि इनसे पहले उत्तराखंड के गवर्नर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी को भी नियुक्त किया गया था। तो US F-22 रैप्टर द्वारा चाइनीज गुब्बारे को डिस्ट्रॉय किए जाने वाली घटना के बाद से चीन जो US से काफी नाराज चल रहा है और जिसके मुताबिक चीन ने अपने क्विंगडाओ पोर्ट सिटी के पास एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को उड़ान भरते हुए स्पॉट किया है और अब चाइना उस अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट को टेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है। और ये जो जानकारी है ये चाइना के ही एक डिजिटल न्यूज़पेपर जिसका नाम है द पेपर तो इनकी तरफ से जारी की गई। अब बाकी US ने तो चाइनीज गुब्बारे को उड़ाने के लिए अपने F-22 रैप्टर का इस्तेमाल किया था, अब देखना ये कि चीन इसको टेक डाउन करने के लिए क्या अपने J-20 का इस्तेमाल करता है या फिर कोई और एडवांस चाइनीज टैक। बस हमारा चीन को एक सुझाव है कि एक बार कन्फर्म कर लेना कि वो जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है कहीं वो 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंग फाइटर 70 तो नहीं है जो अपने अगले प्लेनेटरी मिशन के लिए जा रहा हो। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, आपको ध्यान होगा भी कुछ दिनों पहले हमारा एक पड़ोसी ये कह रहा था कि भारत के साथ बातचीत तभी संभव है जब भारत जम्मू कश्मीर पर से आर्टिकल 370 वाला जो फैसला है उसे वापस लेगा। लेकिन अब एक बहुत ही कमाल की घटना ये देखने को मिली है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म इवेंट में अपने कंट्री के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान का पवेलियन भी मौजूद है और ये जो इवेंट आयोजित किया गया है तो ये SCO प्रोग्राम का हिस्सा है जिसमें SCO मेंबर्स अपने अपने टूरिज्म प्रोडक्ट्स, कल्चरल हेरिटेज तो सभी को शोकेस कर रहे हैं। अब ये मत पूछना कि पाकिस्तान कौन से कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर रहा है। और खैर बाकी एक और अपडेट है कि एयरो इंडिया शो में जो इस बार इंडिया पवेलियन होगा तो वहाँ पे एक इंडियन स्टार्टअप अपने जेट पैक सूट को भी डिस्प्ले करने वाली है और इस जेट पैक सूट की एक तस्वीर आज ANI की तरफ से भी जारी की गई है। और जैसे कि आप सभी को ध्यान होगा भी कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी की तरफ से करीब 48 जेट पैक्स की खरीद के लिए टेंडर भी जारी किया गया था। इसके अलावा एयरो इंडिया से Su-30M की आई फाइटर की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें इस बार ब्रह्मोस के दो अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिले हैं, एक तो ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वाला वर्जन और दूसरा इसी का लाइट वर्जन ब्रह्मोस NG। और बाकी एयरो इंडिया से जुड़े सारे क्विक अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी ना भूलें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार बलजीत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही रघुवीर सिंह और लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज के दिन 1987 में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के हिस्से के तौर पर कैप्टन नीलेश सोनी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर स्थित है। समय है आज के top 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।